प्रीमी में कटिंग पतंग कहाँ मिल रही है? बताओ कहाँ? अरे कहाँ बताओ? पकड़ लिया। सुबह से बिटुआ पतंग पतंग करके मेरी जान खा रहा है। प्रीमी मिल गई इसीलिए अच्छी है, नहीं तो मेरी जेब का दीवार निकल जाता। क्यों भाई, क्या बात है? पतंग चाहिए? बिल्कुल नहीं दूंगा। दक्षिणा मंत्र पढ़ने वाले की होती है, पतंग पकड़ने वाले की होती है। अरे ओ पंडित जी, एक बार जरा नीचे तो देखो। अरे नहीं देखूंगा, हमारे खानदान में आज तक किसी ने सर नहीं झुकाया। पैदा होते ही सर उठा के ऊपर ही देखते हैं। अरे बिटवा, बहुत बढ़िया पतंग मिली है। भाई अगर ये नीचे गिर के मर गए तो हम लोग की शादी कौन करेगा? बैल की तरह जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो माँ को क्यों बुला रहा है? गधे की औलाद। आखिरी बार देख ले। आखिरी बार क्या है? कोई बोलता है कि नीचे देखो और तू बोलता है कि माँ आखिरी बार देखे। तुम लोगों को पागल कुत्ते ने कहता है, दिमाग फिर गया क्या? अरे पतंग लेके चुपचाप नीचे आना। अरे ये क्या, बाजू से आने वाली आवाज नीचे से आ रही है? इस पोजीशन में मैं पतंग की फिक्र करूं? ससुर के नाते अब पतंग पकड़ने की कोशिश की तो यमराज मेरी गर्दन पकड़ लेगा। बाप रे, अबे सुबह से पतंग पतंग कह के मुझे पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया। कहने का मतलब पंडित जी का नाम ना सकते हैं? नीचे गिर गए तो जरूर मर जाएंगे। ये पंडित जी, अरे बाप रे, पंडित जी आप परेशान मत होइए। क्यों परेशान ना हो? अबे शनिचर की औलाद, तू यहाँ खड़ा रहेगा तो पता चलेगा। अबे मेरी धोती गीली हो रही है। तुम अपनी धोती निकालो पंडित जी। भाई धोती क्यों निकालू? अरे जाइया तो पहना है ना। अब वो तो है, लेकिन धोती क्यों निकालू? धोती को पाइप में फंसा के लटक कर नीचे आ जाओ। पाइप में लटक के नीचे आ जाऊं? अबे ओए, मैंने मंत्र पढ़ के जिंदगी गुजारी है, सर्कस में कभी काम नहीं किया। उल्लू, मैं नीचे उतरूंगा तो मर जाऊंगा। बाप रे, डरो मत पंडित जी, धीरे धीरे चल के आ जाओ। चलो। पंडित होकर भी मैं अपना मृत्यु योग जान नहीं पाया। अबे लाला जी के घर में शादी करवानी थी, मोटी दक्षिणा मिलने वाली थी, 5 रुपए की पतंग के चक्कर में पड़ गए, अब जान से हाथ धोने की नौबत आ गई है। भगवान, ये पंडित जी मैंने शादी की है, हमें मंत्र पढ़ के आशीर्वाद दोगे तो पूरे 10,000 देंगे। 10,000? 10,000 अभी?